जय गुरुदेव, जय महर्षि। एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोज निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। ये क्लास 10th का एक चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 4u² + 8u, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो है, दैट इज साइलेंट। वो यहाँ पर आपका नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट टर्म की जगह जीरो है। अब ये इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, वो लगाने की जरूरत नहीं जो हमने लगाया था। ये टर्म किसी एक खास नंबर से डिवाइड भी, कांस्टेंट से 4 से का मल्टीपल, ये 8 है तो 4 से डिवाइड हो, यू स्क्वायर है, यहाँ यू है तो 4u हम कामन ले सकते हैं, तो 4u कामन लिया तो u प्लस 2 आ गया, तो हमारे दो ये 4u क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर u प्लस 2 हो गया। अब जीरोस क्या, 4u इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और तो u की वैल्यू हमारी 0 आ गई यहाँ पर। हाँ, और ये u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर ये 0 तो यहाँ से u की वैल्यू -2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये 0 और -2, तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी, ये देख लीजिए, इसमें अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की, वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा 0 -2, तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, -2 आया, और -2 क्या हो जाएगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई। इसको करके देखें तो ये वो भी उतना ही आता है, जिसके -8, ये माइनस ऑफ, ये माइनस है इसलिए -8/4, 8/4 आ गया हमारा। अल्फा इंटू बीटा करें हम, अल्फा इंटू बीटा में क्या क्या हो जाता है, हमें ये इनको दोनों को जोड़ना है, तो क्या क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो ये जो 0 × -2, तो ये 0 हो गया, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम देखें कांस्टेंट टर्म 0 थी और कोफिशिएंट ऑफ x² 4 था, तो ये 0/4 हो गया। या सिंप्लीफाई करके आप यहाँ लिख लीजिए, 0 हो गया, और 0/4 को भी सिंप्लीफाई करें तो 0 हो गया, तो दैट इज हियर, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। तो ये आप इस तरह से, ये आपने ये वीडियो भी देखा, आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप अन्य प्रॉब्लम को भी इस तरह कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।